नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक फ्रेश यूआरएल लेकर आपके लिए, जहां से आप बना सकते हैं 102 फॉलो बैकलिंक। इस वेबसाइट का डीए जो है 58 है, इस पे अच्छा खासा बैकलिंक्स भी है, प्लस इसमें लगभग लैक्स में 3 लाख के अराउंड कीवर्ड जो है रैंक हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, कीवर्ड रैंक है तो इस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छा खासा आता होगा, राइट। तो इस वेबसाइट से आपको बताऊंगा कि कैसे आप डू फॉलो बैकलिंक बना सकते हैं। इसमें जो डू फॉलो बैकलिंक बनाने का जो तरीका है वो सेम है, इसमें लिंक डालना होता है, लेकिन जो लिंक डालने का जो प्रोसेस है थोड़ा अलग है। आपको किस तरह से डालेंगे तो आपका रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज समझ में आए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और जरूर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी डू फॉलो बैकलिंक्स प्लस ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा एक और चीज आपसे करना चाहूंगा, अगर किसी को बैकलिंक और भी बैकलिंक खरीदना है तो आप मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हैं जाके, जहां पे अभी फिलहाल मैं सिर्फ 4 बैकलिंक दे रहा हूं, जो कि काफी पावरफुल बैकलिंक्स है, जिनका डीए जो है वो 90 प्लस भी है, 85 प्लस है, 70 प्लस है, हर तरह का है। अगर आप वहां से बैकलिंक खरीदते हैं तो जितने भी खरीदते हैं उतने वीडियोज आपको दी जाएंगी, उसको स्टेप को फॉलो करना है, उसमें एक लिंक दिया जाएगा आपको, उसको फॉलो करके आप वहां से बैकलिंक बना सकते हैं। एक बैकलिंक का प्राइस सिर्फ 25 रुपीज है, जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसके ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था, जो कि एक्सक्लूसिव सर्विसेज ऑफ आवर डिजिटल एकेडमी करके था, उस वीडियो का लिंक दिया है, उसको देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कहां से कैसे खरीदना है आपको, ठीक है। तो जिनको भी खरीदना आप उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे बनाना है यहां से आपको डू फॉलो बैकलिंक, उसके बाद आपको फिर से इसे मिलता होगा। तो भाई लोग, ये है वो वेबसाइट जहां से बनाना आपको डू फॉलो बैकलिंक, पूरा स्टेप करके दिखाता हूं वो कैसे बनाना। सबसे पहले आपको यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा, यहां रजिस्टर का बटन दिख रहा है आपको, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये फील्ड्स आपको फिल करना पड़ेगा, नाम ऑन डालना, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नॉर्मल चीजें डालनी है। इसको डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, एक मेल जाएगा, उसको मेल में जाकर कंफर्म कर दीजिएगा, वो हो सकता है आपके इनबॉक्स में आए या फिर आपके स्पैम में आए, दोनों में चेक कर लीजिएगा, काम खत्म। जब जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आइएगा यहाँ पे होम पेज पे, यहाँ पे टू कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और अपना लॉग इन आईडी जो भी आपने बनाया है, आईडी पासवर्ड दे दीजिएगा और इसे यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जब लॉग इन हो जाएगा, हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, चलो भाई सबमिट कीजिए फिर से, अरे जल्दी हो यार, ठीक है, ये सबमिट हो गया यहाँ पे, फाइन। अभी क्या है, आपको अपने प्रोफाइल में ऊपर जो यहाँ पे एक पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो इस तरह का मैं ऑन बनाया, देखिए यहाँ पे लिंक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिंक दिख रहा है, आपको दिखा फॉलो है, स्टैटिस्टिक दिखाना बाकी है, इसके बाद दिखाता हूँ, खोल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको आप चेक किया कि क्या है, देखिए यहाँ पे 100% डू फॉलो बैक लिंक है, ये एचडीएफ टैक्स, यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ आपके साइट का जो भी है, ठीक है। अब आपको डालना कैसे है, नीचे जब स्क्रॉल करेंगे आपके केस में ये सारी चीजें आएंगी नहीं, आपने तो किया नहीं अभी तक, आपके केस में सीधा एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा, कॉपी करके इस तरह पेस्ट कर दीजिएगा, और जब लास्ट में आपको लिंक डालते टाइम ना आपको इस तरह से लिंक डालना पड़ेगा। सब अभी देखिए, अभी मैं ये लिंक डालता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी किया, ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा एक लिंक है, एचडीएफ टैग, जो ये टारगेट ब्लैंक लास्ट में भी दिखाता है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इस केस में मैंने लिखा हुआ है आरिफ दिया हुआ है, सॉरी AHREF दिया हुआ टैग, उसके बाद से अपना यूआरएल डाला हुआ, बीच में यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाला हुआ, ठीक है। इसको डालने के बाद ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे कोई लिंक नहीं बना, मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, कोई लिंक नहीं बना, ठीक है। ये टेक्निक था जो कि आपको बताना था, यहाँ पे आप डालेंगे तो नहीं आएगा। अभी दूसरा लिंक उठाता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे जो मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉगिंग लिखा हुआ, इसकी वजह से आपको यूआरएल डालना है, डायरेक्ट आपका यूआरएल डालना है, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, अभी उड़ा देते हैं यहाँ पे, और सीधा इसके जगह पे जो कीवर्ड की जगह पे अपना यूआरएल डालिएगा, उसको ऐड न्यू पे क्लिक कीजिएगा। अरे यार ये बोल रहा, थोड़ा देर वेट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। इसके पहले चलिए दिखाता हूँ आपको ये इसका स्टैटिस्टिक, ये 58 इसका जो डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है, मिलियंस में बैकलिंक्स है इसके पास, रेफरिंग डोमेन 7.55K है, ऑर्गेनिक कीवर्ड 2,10,000 के आसपास है, तो इस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक डेफिनेटली आता है। गेमिंग की वेबसाइट है तो गेमिंग वाले जो भी वेबसाइट है उनको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि सिमिलर नीच रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इतने होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसका लगभग 3,75,000 मंथली के हिसाब से दिखा रहा है, थोड़ा कम होगा, इतना नहीं होगा, मे बी हो भी सकता है। इसका बैकलिंक का देख लीजिए रेशियो 74:22 है, और कुछ टेक्स्ट पे भी है, ये सब ये इनका रेशियो है। चलिए देखते हैं अभी क्या कर, अभी करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है, क्योंकि मैं इमीडिएट कर रहा हूँ, तो अभी हो गया, देखिए अभी हो गया, तो यहाँ पे देखिए लिंक बन गया। ये आपको तरीका फॉलो करना है यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक बनाने के लिए, सिंपल प्रोसेस है। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक था जो कि आपको मैं बताना था आपको, जिसे यहाँ पे नहीं बना और यहाँ पे बनाया था, ये डायरेक्टली लिंक लेगा। मैं बहुत बार ट्राई किया था, यहाँ पे देखिए मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग नहीं हुआ, मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग नहीं हुआ, ये 4 तारीख को मैंने 2 तारीख को किया था,
आज हो गया कितना, 4 तारीख है, 2 दिन पहले ट्राई किया था मैंने आपको, 4 तारीख है आज, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है डू फॉलो बैक लिंक, काम खत्म, सिंपल स्टेप्स। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने किस क्या प्रोसेस है बनाने का, आप यूआरएल में क्या डालना है, कीवर्ड्स के अलावा कीवर्ड भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो प्रोसेस पूरा फॉलो कीजिएगा। एक बार में हो सकता है दिक्कत है, दोबारा दोबारा दूसरी बार तीसरी बार ट्राई कीजिए तो डेफिनेटली होगा, आपसे नहीं होने संभालने, जैसे कि आपने देखा मैंने आपको करके दिखाया कि होता ये पॉसिबल है, ठीक है। और अपनी सर्विसेज के बारे में थोड़ा बताया कि किस तरह से खरीदना है, तो जो लोग चाहते हैं खरीदने का बिल्कुल खरीदिएगा, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। आपको यूआरएल दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, जैसे आप अभी ये वीडियो देख के बनाए सेम प्रोसेस में उसको भी आपको देख के बनाना है। जितना भी वेबसाइट का आपको यूआरएल देंगे सारे स्पैम फ्री वेबसाइट है, 1 या 2 स्पैम रेट रहता है उसका, जो कि किसी तरह कोई आपको डैमेज नहीं करेगा आपकी वेबसाइट को। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक के मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइक्स और कमेंट मेरे लिए, कमेंट कर बताइए कैसे लगा, जरूर नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे नए कॉन्सेप्ट जो हेल्प करेगा आपको अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।